मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन मंडली रे बीजेपी रे प्रार्थी होइछंती संजय वालियान आमे अछु तांको गां कुडमी रे जा सहित आलोचना करबा तांको गां रो लोक माने अछंती समान कोन भाबुछंती जे एथोर किए निर्वाचन जितिबो एवं किए सरकार गढिबो। सर पहले तो मैं आपको पास आऊंगा, इस बार का रिजल्ट क्या होगा? मुजफ्फरनगर का रिजल्ट बता सकते हैं, डॉक्टर संजीव बालियान बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और कितने आपको लग रहा है, कितने मार्जिन में वो जीतेंगे? लगभग 1.5 लाख से ज्यादा के मार्जिन में जीतेंगे। पहले से हमने देख रहे थे कि 2014 की बात करें और 9 की बात करें, 2014 में 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीते थे। 2019 में क्योंकि सामने चौधरी अजीत सिंह थे, राष्ट्रीय नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, उनको सम्मान दिया गया था, सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था, जिसके कारण से 6,500 के अंतर से डॉक्टर संजीव बालियान जीते थे। लेकिन इस बार क्योंकि मुस्लिम सबसे ज्यादा डॉक्टर संजीव बालियान को मिल रहा है और दूसरा जाट बिरादरी, दूसरी बिरादरी और बाकी जो भाजपा का वोटर है वो मिल रहा है, तो कम से कम 1.5 लाख के अंतर से ज्यादा के अंतर से जीत होगी। विकास की अगर बात करो तो इस बार जो 14 से 26 तक क्या-क्या विकास हुआ है क्षेत्र के अंदर? सबसे पहले तो हम सड़कों पर जाएंगे। सड़क जो यहाँ पे सभी लगभग पक्की बन चुकी है, 4 लेन और 8 लेन तक बन चुके हैं। उसके अलावा विकास के आपकी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कार्य हो रहे हैं, जैसे रेलवे का चौड़ीकरण दोहरीकरण हो रहा है, साथ में मेट्रो दिल्ली से मुजफ्फरनगर आ रही है। उसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 24 घंटे बिजली यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है। आपको क्या लग रहा है, इस बार कौन जीतेगा? संजीव बालियान जी है। क्या क्या विकास किया संजीव बालियान? संजीव बालियान ने गांव में पक्के सब सड़के, गांव में नाली या सड़क वड़क सब फिट कर रखी इसने, पानी की व्यवस्था टंकी बना दी पानी के लिए। और शिक्षा के लिए क्या क्या हुआ विकास भाई? शिक्षा के लिए तो बहुत से काम हुए हैं, स्कूल कॉलेज है और वैसे भी बहुत सारे 24 से 24 तक। हाँ जी, सब 24 से 24 तक। सुनते शिक्षा शिक्षा का विकास है, रास्ता का विकास है, बिजली का विकास है, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? संजीव बालियान जीतेगा निकालिस। क्या क्या किया है संजीव बालियान? संजीव बालियान ने सबसे बड़ी बात तो एक काम करा, 10 साल रहे तो किसी का सिर नहीं फुटन दिया, आपस में झगड़े खत्म करे, शासन बहुत बढ़िया रहा यहाँ। खेती के बारे में आपके क्या क्या है? बिजली के जो बिल आ रहे थे वे फ्री, बिजली 24 घंटे आवे और यो ही हमें चाहता, किसान आदमी है। आपको क्या लग रहा है? गुंडागर्दी खत्म होगी सबसे बढ़िया। अजी पहले 10 रुपए में चक्कू देते थे यहाँ, अब जब हाँ अब जब नोट लेकर कहीं घूम लो खेतों में को, अब तो कई कई कोसू लोग भी बदमाश राजनी नहीं होती, ये संजीव बालियान की बदौलत है सब कुछ। बिल्कुल। सर आपको क्या लग रहा है? संजीव बालियान क्या क्या किया है? सब कुछ वही करा रहा है। 14 से 26 तक। हाँ बहुत बढ़िया। शिक्षा की बात करें अगर तो शिक्षा कहीं स्कूल दे दिए, कॉलेज दे दिए यहाँ जिले को, डिग्री राज के दे दिए, 3-4 राज के कॉलेज दे दिए। निश्चिंत भावे सुनुचंती शिक्षा कथा कहतु, रास्ता कथा कहतु, एवं जो भाई अपराध, जो अपराध कथा कहला पूर्व अपराध होता, वर्तमान समय अपराध कमी, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? संजीव बालियान जीत रहे भारी मतों से। क्या क्या डेवलप उन्होंने यहाँ पे? सबसे बड़ी बात ही आवारा पशु की, जो गांव में घूमते थे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान करते थे, एक काउ सेंचुरी बनाई है यहाँ पे तुगलक आबाद है, यहाँ पे मुजफ्फरनगर के पास वहाँ पे बहुत बड़ी काउ सेंचुरी है, कम से कम 5,000 से 6,000 उसमें पशु रख सकते हैं, तो सारे ज्यादातर पशु वहाँ पे भिजवा रहे हैं एक एक गांव से, तो बहुत बड़ा उपलब्धि है उनकी। बिल्कुल। जब ले शुरू चले जे शिक्षा स्वास्थ्य इलेक्ट्रिक रोड एवं समस्त क्षेत्र रे विकास है, विशेष भाव लोक मैंने सुरक्षित अच्छा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कैमरामैन आदित्य मनोज महांती, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।